हेलो दोस्तों, यदि आपको नहीं पता कि चैन सेट कैसे बदला जाता है तो आज मैं एक नए टॉपिक पे चैन सेट कैसे बदला जाता है इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि देखना बनता है तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चैन सेट बदलने के लिए सिलेंडर निकालना है। सिलेंडर में पिछला स्पॉकेट ये पिछला फुटेज खोल लेना है। पिछला फुटेज खोल लेते हैं जल्दी से। इसका सेंसर का ये 12 नंबर का बोल्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर दो बोल्ट दे रखे हैं, ये दो बोल्ट खोल लेने। एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है। ठीक हो गया। ये दो नट बाहर निकाल लिए। इसके बाद इसके मुंह को बाहर निकाल लें, कंट्रोल से बाहर खींच के। ये सिलेंडर बाहर निकाल दिया है। अब इसके बाद हमें ये नट खोल लेना है, 14 नंबर का होता है। अगर यदि आपको ब्रेक टाइट करने हैं तो इसको यहाँ से क्लॉक वाइज घुमाएंगे, ब्रेक टाइट होंगे, एंटी क्लॉक पे ढीले होते हैं, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद ड्रम पिन का ये बोल्ट खोल लेना है। इसके बाद मेन पहिए का बोल्ट है ये, जिससे पहिया बाहर निकलता है। टायर 24 नंबर का, चाबी लगती है, गोटी लगा सकते हैं। इधर से बाहर निकल, यही दोस्तों आपको नहीं पता टायर कैसे बाहर निकालते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं टायर कैसे खोलते हैं। चलो ठीक। एंड देन इसके बाद ये 30 नंबर का बोल्ट खोल लें। अब ये रहा आपका ब्रेक ड्रम, जिसके अंदर ब्रेक शू है। अब देखिए इसके दांते काफ़ी घिस गए हैं, जिसकी वजह से इसको नया डालना पड़ रहा है। आराम से ठोक के निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक कोन है, ये निकाल दिया। अब ये ड्रम हमने बाहर निकाल दिया है। चैन सेट बदलना है तो इसका चैन भी बाहर निकालना होगा, जिसके लिए यहाँ पर एक लॉक दे रखा होता है। मैं लॉक ढूंढ लेता हूँ। ये रहा लॉक।
चैन को बाहर निकाल दिया है। नीचे अब इसके बाद हमें ये बोल्ट खोलना है जिससे फुटेज बाहर निकल जाएगा। फुटेज बाहर निकाल दिया, किक बाहर निकाल लेनी है। ठीक बाहर निकाल दें। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये पाइप बाहर निकालना है। ये क्लिप को दबाया, क्लिप निकाल दिया। इसके बाद यहाँ इसकी अल्टरनेटर की वायरिंग है, अब आइए जरा इसको करीब, इसको क्लिक करिए, ऐसा आएगा ना। एंड देन इसके बाद इसको आराम से बाहर खींच लें। अब इसका दूसरा TCI यूनिट है का एक सॉकेट है, वो मैं दिखा नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, अगली बार कभी दिखा देंगे। फिलहाल मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये दो कपलर बाहर निकाल दिए, ठीक हो गया। अब इसका ये कवर खोल देना है, तो फटाफट खोल लेता हूँ। ये तीन बोल्ट नहीं खोलने हैं, ये ऑयल फिल्टर का होता है, ये नहीं खोलने हैं, बाकी जो मैंने खोले इनको नहीं खोलना है। देन इसके बाद यहाँ पर चप्पल निकाल के बाहर निकाल, कितना डस्ट भरा है देखिए, यहाँ देखो इधर कितना मिट्टी है इसके अंदर, आप शायद देख पा रहे हैं। अब इतनी मिट्टी होगी तो चैन सेट ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसकी मैं इसीलिए कहता हूँ हर सर्विस में इसको खोल के इसकी सफाई करनी ही बहुत ज़रूरी है, वरना चैन सेट जैसी चीज़ें नॉर्मल हैं, कई चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ इसका एक दांता टूट रखा है, नज़दीक से देखिए एक दांता टूट रखा है, और पीछे के दांते टूटे, चैन टूटी थी। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। आपने 1.5 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी लेते हैं, उसकी साफ़ सफाई केयर रखें। तो आइए अब मैं इसको खोल लेता हूँ बाहर। अब देखिए दिखा दें कितना मिट्टी इसके अंदर भरा पड़ा है। ये लॉक होता है यहाँ पर, जो इस पॉकेट का नट ना निकल जाए, इसको ठोक के ही खोलना पड़ता है। अब इसके बाद इसका नट खोल देते हैं हम, इस नट को। चलो तो अभी तक का हमने देखा कि चैन सेट कैसे खोला जाता है, निकाला कैसे जाता है।
अब हम दिखाएंगे कि ये फिट कैसे किया जाता है। इससे पहले क्या मैं यहाँ पूरी सफाई कर लेता हूँ, वॉशिंग कर लेता हूँ और बाकी सारे काम कर लेता हूँ, एंड देन जब फिट करता हूँ उस टाइम फिर बने रहते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे पास चैन सेट आ गया है, अब इसके अंदर हम खोल के देखते हैं। रॉयल क्लासिक गाड़ी के अंदर जो चैन सेट है ये 1790 रुपये का चैन सेट है। इसके अंदर चैन है, फिलहाल मैं इसको इधर रख देता हूँ। ये वो इस पॉकेट है जो हमें डालना है यहाँ। इसे फिट करने के लिए जो लिखा है ये बाहर साइड होना चाहिए। और इसके अंदर एक पिछला इस पॉकेट है, ये देखिए फ्रेश। तो आइए फिट करते हैं इसको। इसकी लॉक पत्ती, चेक नट, इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लें। अब इस लॉक को फोल्ड कर लेंगे। अब ये रहा इसका चैन लॉक। इसका ओरिंग बाहर से पत्ती, एंड देन इसके बाद इसका लॉक। इसको आराम से लगा दें और इसका लॉक कर दें। अब लॉक हो गया। आगे देखिए चल रहा है इस पॉकेट फर्स्ट क्लास। अब पॉकेट ये रहा इसका बैरिंग, बैरिंग लगाया और ठोक दिया। इसके ऊपर ये सील लगती है। इसके ऊपर ये कॉलर रख दी, ये ब्रेक से रख दें। इसके बाद इसको उनको डाल दें। चलो अब हम आते हैं इधर इसको देखने, साफ कर ले, फिट कर। अब हम दिखा दें फिट कैसे किया जाता है। हमने देखिए इसको साफ कर लिया है,
अब इसको फिट कर लेते हैं। चलो खड़ा हो इधर से ऐसे। दोस्तों किक जब भी फिट करें या बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है, वरना किक यहाँ आगे टकराती है। अब इसका फुटरेस फिट कर लेना है। अब इसके बाद पिछला टायर फिट करना है, तो अभी देखते हैं। थोड़ा और कर पूछ लो एक बार GoPro 4 कितने का है पूछो। दिन में टाइम ही नहीं मिल पाया आज। Gracias.